हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग जा रहे हैं कोहिमा का BOC मतलब सेकेंड हैंड मार्केट में संडे। तो मेरे पीछे आ रही है दोनों आंटियाँ, हाय बोल दो। पता नहीं दूसरा वाला आंटी भड़का, तो देखते हैं क्या होता है आगे जाके, देते रहेंगे आपको। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं लेरी का टैक्सी स्टैंड। फिलहाल टैक्सी तो नहीं है यहाँ पे, शायद कुछ देखते हैं। जीरो जीरो वो फिलहाल टैक्सी मिल गया हमको। खादा डिस्टेंस विद 2 मीटर। आंटियों के साथ डिस्टेंस में बैठा हो, मास्क है जरूरी। आंटी हाय बोले यूट्यूबर्स को। हेलो आंटी, भड़की हुई आंटी पूरा। तो फिलहाल हम निकल चुके हैं लेरी से BOC की ओर। ये मिल गया लेरी का गेट, काफी कुछ ज्यादा ही जाम है। तो ये पहुंच गए हम आप AG कॉलोनी। अरे आंटी कहाँ से निकली हो बाल्टी लेके? लगता है आंटी अभी भी संडास करके निकली है। ये है गाइस मोन खुला, इसके बाद BOC मिलेगा। तो यहीं पे मेरा दुकान है, बंद है आज, मिला छुट्टी पे हूँ ईस्टर संडे के लिए। इसका टोपी है, ये भी बिक रहा होगा यहाँ पे। चलो आगे जाके देखते हैं। काफी भीड़ लगा हुआ है यहाँ पे। BOC का पेट्रोल पंप, अरे यार संडे का दिन भी भीड़ है। आज का दिन निकलना था क्या?
सो फाइनल का हम बीओसी पहुंच चुके हैं और ये अंकल ने कहा था मुझे यूट्यूब की ओर से फ्री में छोड़ेंगे यहाँ तक। बस ये आंटियों का फेयर लगेगा यहाँ तक का, देखते हैं। चलो बाहर निकल के देखते हैं। तो गाइस ये है बीओसी का नज़ारा, लग रहा है भयंकर चुना लगेगा आज। सेकंड हैंड बोला गया है लेकिन फर्स्ट हैंड कपड़ा सब यहाँ पे मिलता है सस्ता में। तो आगे एक दुकान है वहाँ जाके देखते हैं क्या क्या मिलता है। ये सब्जियाँ, ये आगे हमारा सेकंड हैंड कपड़ा का दुकान, थोड़ा देखते हैं। स्किप कर दिया क्योंकि अच्छा कपड़ा नहीं था। यहाँ से साइड गली ले लेते हैं। आंटी साइड प्लीज। ओ आंटी आना पड़ेगा ये 5 मिनट घूमने के लिए, फिर कभी आस क्लोज है तो मंडे ट्यूजडे को ट्राई करता हूँ आपके लिए। ना ना प्रो प्रो कर्रा कर्रा लियोपोर्ट वाला था ऐसे। आंटी मिला कुछ? अरे आंटी क्या देख रही हो? अरे ज्यादा वीडियो यहाँ पे सबको सेकंड कपड़ा मिलेगा। अरे बाबा मार्केटिंग करके आ चुके हैं, अभी घर पहुंचने वाले हैं। और इतनी देर शॉपिंग के बाद हमको मिला बाबा जी का फुल्लू। आंटी हाय बोला। हाय हाय। यो हाँ, 2 किलो का मेकअप जो किया था खराब हो गया गर्मी में। कहा जाता है कोहिमा कोल्ड प्लेस है लेकिन भयंकर गर्मी है रे बाबा। ये तो याद होगा सबको। ठीक है मैडम जी, चलो भाई बस इतना ही।